गिरी क्यों ज्वाइन करी? मैं इसलिए कांग्रेस छोड़ के आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के अपने जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों के घर घर अनाज पहुँचाया जा रहा है, और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी के ज्वाइन करने की वजह यह रही हमारी कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज जी चौहान जी का जो नेतृत्व और विकास कार्यों की जो देन जो 16-17 वर्षों में रही है इसके कारण हम उन लोगों से जुड़ने के बाद ये सोचने के बाद ही हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। आगे किस तरीके की तैयारी करना चाहते हैं? हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने हमारे युवा साथी हैं उन लोगों को इस विकास की योजना के साथ में हम लोग जोड़ना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे बेल ब्लॉक के पद जो बाकी हैं उनकी भर्ती होने वाली है शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, चाहे हम लोग कपिलधारा कुएं ले लेते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी विकास हुआ, उसके माध्यम से हम लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं। राशन आपके द्वारा एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे मुख्यमंत्री जी की रही है जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के जो गरीब लोग अगर गुजरात भी जाते हैं तो उनको कहीं पे भी वो राशन लेने की पात्रता मिल जाती है जिससे उनको आसानी हो जाती है। वन अधिकार के पट्टे जो रहे हैं वो काफ़ी लोगों का उसका भी बेनिफिट मिला है। 15 नवंबर से जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जाएगा हमारे लोगों के द्वारा लिए वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो यही कारण रहा है कि आज हम लोग पूरे जोबड़ विधानसभा के काफ़ी लोग हैं जो हमसे हमारे साथ में हैं और उन लोगों का प्यार रहा है ताकि हम लोग इस विकास की जो जलधारा बह रही उसमें कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। जो मुझे ये लगता है कि उसमें हमारे शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री जी रहे, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी रहे, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ना चाहते हैं।